स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर, वी नो दैट ऑल द डेज इन द ईयर आर नॉट द सेम बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। दीज चेंजेस कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द वेदर। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो मौसम है, वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। वेदर यानी कि जिसे आप मौसम कहते हैं, तो वो एक जैसा नहीं होता है, वो बदलता रहता है। आपने देखा मॉर्निंग में जो है क्लाउड्स होते हैं, थोड़ी देर बाद जो है मौसम जो है क्लियर स्काई होता है, उसके बाद आपने देखा कई बार तुरंत जो है रेन भी आ जाती है। इनकी चेंज होता रहता है। ये किस लिए चेंज होता है? ये जो है एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस है उसमें जब चेंजेस आती है तो इस वजह से वो चेंज हो जाता है। जैसे तो आपने देखा होगा कि वेदर में चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशंस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। जो मैंने अभी बात बताई आपको, मॉर्निंग टिल इवनिंग, फॉर एग्जाम्पल ए क्लाउडी डे में बिकम सनी और ए काम डे में सडनली बिकम विंडी। अब कई बार आपने देखो मौसम में कुछ शॉक होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है स्टॉर्म, बहुत ज्यादा हवा आती है तेज और उसके बाद बूंदाबांदी हो जाती है या क्लाउड बन जाते हैं। यानी कि कुछ भी आपने देखा होगा चेंजेस आ जाती है। यदि बहुत ज्यादा बादल है, बारिश होती है, तुरंत जो है धूप लग जाती है। आपने देखा होगा कई बार रेनिंग भी हो रही होती है और शाइनिंग भी होती है, सनशाइन भी करता रहता है। तो चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू द सीजंस। अब आपने देखा होगा कि ये जो चेंजेस आती हैं वेदर में, इससे क्या होता है सीजंस बनते हैं। इफ द वेदर कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स वी कॉल इट सीजन। जैसे हमने देखा, आपने देखा होगा कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून तो क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब मान लो काफी कई महीनों तक एक जैसा जो है वेदर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं सीजन्स। यानी कि ज्यादा इसे क्या कहेंगे, हॉट सीजन है या समर सीजन है, क्योंकि गर्मी की ऋतु है। ठीक है, तो इसी तरह इन द इंडिया वी एंजॉय 3 मेन सीजन्स। अब इंडिया में हम ज्यादातर जो है हम 3 सीजन एंजॉय करते हैं, मेनली समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। लेकिन यहां पर 2 सीजन और होते हैं, एक ऑटम सीजन और एक स्प्रिंग सीजन। तो अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजंस। नाउ व्हाट इज वेदर? वेदर की डेफिनेशन इससे क्या निकलती है, द कंडीशन ऑफ ए एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। ये वेदर मैंने पहले बताया आपको, कई बार क्या होता है आप सहारनपुर में क्या होता है धूप खिली होती है, यहां बारिश हो रही होती है। इनकी थोड़े समय के लिए जो चेंजेस होती हैं एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसे कहते हैं हम वेदर। ठीक है, उसकी जो तो ये था वेदर के बारे में। नाउ क्लाइमेट, सेकेंड इज क्लाइमेट। द काइंड ऑफ वेदर दैट ए प्लेस हैज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। यानी कि द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज इट्स ओन क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि हर जगह, कई जगह आपने देखा होगा कि गर्मियों में
In the summer season, there will be hot, very hot days. And in the winter, there will be very cold winter. This type of climate is called extreme type of climate. जहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है उसे कहते हैं हम एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. ए प्लेस इज सेड टू हैव ए ड्राई क्लाइमेट इफ इट गेट्स वेरी लिटिल रेन ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी इयर्स. अब आपने देखा होगा कि जहां बहुत कम बारिश होती है उस वहां का जो प्लेस है उनका जो क्लाइमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं ड्राई क्लाइमेट. नेक्स्ट जब मान लो ए प्लेस दैट गेट्स ए लॉट ऑफ रेन जहां पर जो है वो प्लेस जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है फॉर मेनी इयर्स इज सेड टू हैव ए वेट क्लाइमेट. अब जिस क्लाइमेट जहां पर जो है बहुत ज्यादा लंबी रेन होती है कई काफी समय से यानी कि लंबे समय से रेनिंग चलती है तो वहां उसे कहते हैं वेट क्लाइमेट. ए प्लेस विच एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर ऑल द ईयर राउंड. आपने देखो जब हम ज्यादातर जाए सर्दी रहती है उसे कहते हैं हम कोल्ड क्लाइमेट. वहां के प्लेस में क्या होगा कोल्ड क्लाइमेट. और सम प्लेसेस आर नेदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड दे हैव ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑल द ईयर अराउंड दिस इज कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट. उसे क्या कहते हैं हम मॉडरेट क्लाइमेट. अब हमने क्लाइमेट के कौन कौन से क्लाइमेट के बारे में पढ़ा एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट वेट क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट. नाउ डू रीडिंग योरसेल्फ. थैंक यू.